आदरणीय अभिभावकगण, आदरणीय अध्यापकगण, प्रिय छात्र छात्राओं, कुछ दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक आपात उच्च स्तर की बैठक अपने सानिध्य में बुलाई थी। और उस उच्च स्तरीय बैठक में, जिसमें तमाम हमारे कैबिनेट के सहयोगी सहित सभी अधिकारी वर्ग, शिक्षा विभाग और विभिन्न दिशाओं से जुड़े सभी लोग उपस्थित थे, और मैं आभारी हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, जो लगातार हमारे विद्यार्थियों की चिंता करते हैं, हमको अपना मार्गदर्शन लगातार देते हैं। उन्हीं के निर्देश पर एक बहुत ही उच्च स्तरीय बैठक आज हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में हुई, और जिसमें मेरे साथ केंद्र के दो सहयोगी कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जी और श्री प्रकाश जावड़ेकर जी सहित मेरे सहयोगी मंत्री संजय धोत्रे जी भी थे, और देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रीगण, और दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली तंत्र के सभी सचिव और अधिकारी वर्ग पूरे देश के आज एकजुट थे अपनी छात्रों के सुरक्षा और भविष्य को लेकर। मुझे सबसे पहले तो इन सब का धन्यवाद देना है, जो सारे शिक्षा व्यवस्था के लिए छात्रों की सुरक्षा और छात्रों के भविष्य की चिंता की दृष्टि से केंद्र के साथ एकजुट होकर के और आज खड़े दिखाई दिए हैं। मैं उन सब के प्रति बहुत आभारी हूँ। बहुत सार्थक चर्चा आज रही है, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव सभी राज्यों से आए हैं, और पिछले वर्ष भी राज्यों ने आज एकजुट होकर के इस कोरोना काल के महासंकट में बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया था। और आज भी मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप जानते हैं पूरी दुनिया इस कोरोना के महासंकट से जूझ रही है, और हम अछूते नहीं हैं। ये चुनौती हमारे सामने है, और मुझे इस बात का भी गौरव महसूस होता है कि हमारे अध्यापकगण ने फ्रंट लाइन पर आकर के जिस तरीके से पूरे वर्ष में मेरे छात्रों को ऐसा महसूस नहीं होने दिया, अवसाद में नहीं जाने दिया, ऑनलाइन एजुकेशन यथासंभव वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ तक पहुँच सकते थे, और पहुँच रहे हैं। जो थोड़ा बहुत कमी है उसको भी दूर कर रहे हैं। शायद ये दुनिया का पहला ऐसा उदाहरण होगा जब 25-30 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन पर और घरों को ही स्कूलों में तब्दील कर दिया गया होगा। अभिभावकों, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपने और अध्यापकों ने मिल करके छात्रों को इस ऐसे वक्त पर बहुत संभालने की कोशिश की है, और छात्रों ने भी जो साहस दिखाया है, उत्साह दिखाया है, इसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जो आज बैठक हुई है उसमें कुछ राज्यों ने कुछ समय मांगा है और सुझाव देने के लिए, और उनको कहा गया है कि 25 मई तक वो अपने सुझाव दे देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस अनिश्चितता को दूर कर सकेंगे। मुझे याद आता है कि जब हमने आपकी CBSE बोर्ड की इंटर की परीक्षाओं को स्थगित किया था, तब हमने आपसे कहा था कि हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आकलन करेंगे, जो भी परिस्थितियाँ होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीज़ें हैं, सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य, इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे, जो भी परिस्थितियाँ होंगी। हमने ये भी कहा था कि जब भी हम इस बात की घोषणा करेंगे तो कम से कम 15 दिन हम आपको देंगे, ताकि आपके मन में अचानक न हो कि कब तिथियों की घोषणा हो और
का फिर जो है आप संभलें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 25 मई तक सभी राज्यों के जो राज्य, कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि हमको थोड़ा सा और भी मौका दीजिए, हालांकि उनका भी सकारात्मक रूप था, लेकिन और क्या क्या सुझाव हो सकते हैं उनके लिए, वो 25 मई तक उन राज्यों के सुझाव भी आ जाएंगे। और मैंने कहा है, आपने अभिभावकों से भी कहा है, आपसे भी कहा है, अध्यापक कर्ण से भी कहा है, यदि आपके भी कोई सुझाव होंगे तो मेरे ट्विटर पर आप अपने सीधे सीधे सुझाव भेज सकते हैं। मुझे भरोसा है कि जो हमने आपको कहा है कि एक जून से पहले और आप 25 मई के बाद हमारी कोशिश होगी कि हम आपको अवगत करा सकें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के निर्देश में आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहली है और आपके जीवन और आपका भविष्य भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है, और इसलिए इन सब को ही ध्यान में रख करके जो जो भी परिस्थितियाँ भविष्य के लिए बनेंगी, हम आपके साथ खड़े हैं। आप निश्चिंत होकर के रहिए, आप बिना तनाव में रहिए, समय के साथ इन परिस्थितियों के साथ हमको जूझना है, इसी में हमको रास्ते भी निकालने हैं। हम आपका भविष्य, हमने पिछले वर्ष भी, हम दुनिया का वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं जिसने अपने बच्चों का एक वर्ष खराब नहीं जाने दिया था, और सारी दुनिया ने इस बात को देखा है, और हमने आपकी सुरक्षा हमारे लिए हर हालत में, आपकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, और इसलिए फिर मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और जो भी निर्णय होगा वो आपके हित में होगा, आपके जीवन के सुरक्षा की दृष्टि से होगा और आपके भविष्य में आपके भविष्य को लेकर के होगा। मैं एक बार फिर सभी अभिभावकों का, अध्यापकगण का, मेरे छात्र छात्राओं आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, और आज मैं विशेष करके अपने देश के रक्षा मंत्री जी जो केंद्र में कई बार विभिन्न मंत्रालयों का जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, और जो उत्तर प्रदेश में याद आता है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहा हूँ, वो ऐसे ऐतिहासिक शिक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री तो थे ही, आज उनके सानिध्य में पूरे देश का शिक्षा तंत्र ने पूरा बहुत देर तक विचार विमर्श किया है, बहुत ही सार्थक, पूरा देश के शिक्षा, सभी राज्य एकजुट है, मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता होती है, और मैं सभी राज्यों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और मेरे जो सहयोगी मंत्री आदरणीय जावड़ेकर जी और आदरणीय स्मृति ईरानी जी को भी मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक बार आपको शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।